News 24. Think first. वहीं उज्जैन के सांसद चिंतामणि मालवीय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिसकर्मियों को गालियां देते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे, उस वक्त सांसद ने मंदिर में प्रवेश को लेकर ये पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की। इस रिपोर्ट में आप देखिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसी को लेकर मंदिर में दाखिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की लंबी कतार लगी हुई है। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग का बंदोबस्त किया है। पुलिसकर्मी बहुत ही आराम से एक एक कर लोगों को मंदिर में प्रवेश करा रहे हैं। इसी बीच कुछ कार्यकर्ता पुलिस वालों के साथ बहस करने लगते हैं, और फिर इसी बहस के बीच पीछे कतार में मौजूद एक नेताजी सामने आते हैं। झक सफेद कुर्ता पैजामा पहने और आंखों पे दबंग वाला चश्मा लगाए ये नेताजी उज्जैन से बीजेपी के सांसद हैं। नाम है चिंतामणि मालवीय, लेकिन इनके मुंह से जो बोल निकले उनमें ना तो कानून को लेकर कोई चिंता नजर आती है और ना ही कानून की कोई परवाह। सुरक्षा इंतजाम का जिम्मा संभाल रहे पुलिस कर्मियों को मामूली सी बात पर सांसद ने मां बहन की गालियां सुना दी। पुलिस वालों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो लाइन में लगे लोगों को अंदर भेजने का काम कर रहे थे। बस इसी इंतजाम से हुई थोड़ी सी परेशानी ने नेताजी का पारा चढ़ा दिया। फिर क्या था, पुलिस वालों की शामत आ गई। नेताजी की जुबान पर जो आया बकते चले गए, और फिर नेताजी की इस कारगुजारी का वीडियो वायरल हो गया। सुरक्षा इंतजाम से भड़के सांसद ने न सिर्फ पुलिसकर्मियों को गंदी गालियां दी, बल्कि उन्हें धक्का देते हुए देख लेने तक की धमकी दे डाली। और फिर उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस कहावत को सांसद चिंतामणि मालवीय ने सच साबित कर दिया। हुआ यूं कि मौके पर जब एसपी साहब पहुंचे तो सांसद महोदय उनसे पुलिस कर्मियों की शिकायत करते नजर आए। सुना आपने किस तरह से नेताजी धमकी भरे लहजे में एसपी को नसीहत दे रहे हैं, पुलिस कर्मियों को समझाने की बात कर रहे हैं, और अगर नहीं समझ आया तो फिर अंजाम भुगतने की ओर भी इशारा किया जा रहा है। महोदय, सबसे पहले तो ये कि आपको पुलिस कर्मियों के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का हक किसने दिया? वो अपना काम कर रहे थे, आपको सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग कर शांति से मंदिर में प्रवेश करना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी गंदी जुबान का रौब दिखाकर कार्यकर्ताओं में अपनी झूठी धाक जमा दी कि वाह, नेताजी की तो बड़ी पहुंच है। अब सवाल ये कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को गाली देना सांसद को कितना शोभा देता है, और क्या इस गलती के लिए बीजेपी अपने सांसद के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? आनंद निगम, उज्जैन, न्यूज 24।